نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في, فقهن في الدين آمين آج إن شاء الله سورة الحج كي آية نمبر

नूह के लोग यानी नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम है उनके बारे में और कौन से लोग लूत लूत यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर जो है यानी अः मक्का जो है जिस तरह से झुटला रहे थे तो यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि आ, जो है अल्लाह तआला ने पैगम्बर भेजाओ और उसकी कॉम जो उसको रिजेक्ट कर रही हो बल्कि इससे पहले की भी मिसालें देकर बताया जा रहा है कि आपसे पहले जो है अलैहिस्सलाम को भी उनकी कौम ने झुटलाया और ये हुद की कॉम ने भी उनको झुटलाया और ये के अलैहिस्सलाम की, की कौम ने भी जो है उनको झुटला दिया था इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम इनकी कॉमों ने भी इनको झुटला दिया था और फिर क्या है वह असहाबु मदियाना और मदियन के लोग मदियन की तरफ किनको भेजा गया था सलाम को तो सलाम को भी उनकी कौम ने झुटलाया था मूसा और मूसा सलाम को भी झुटलाया लेकिन हुआ क्या कि ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पैगम्बरों को झुटलाया तो अल्लाह सुभान व तआला ने उन कौमों की जो है फौरन पकड़ कर लियो बल्कि क्या है फ अमलई बस मैंने ढील दी लिलकाफरी न काफिरों को तुम फिर अखज तो हम मैंने पकड़ लिया उनको फकीफा तो कैसा का ना था नकीरी मेरा अजाब अब यहाँ पर जो है अब जैसे कि थोड़ा सा अगर हम पीछे से देखें कि बात कहाँ से शुरू हुई थी कि अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला जो है मोमिनों से उनके दुश्मनों को हटाता रहता है यानी मक्का में मुसलमानों की हालत बहुत कमजोर थी लेकिन उनसे क्या कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि दुश्मन जो है ना हमेशा तुम पर गालिब रहेगा और तुमको तकलीफों में और मुसीबतों में मुबतला करता रहेगा बल्कि क्या है कि अल्लाह ताला जो है यानी मुसलमानों के साथ है और ये फॉर द टाइम बीइंग अगर ये तुम पर जो है थोड़े डोमिनेंट हो रहे हैं और तुम पर गलबा पा रहे हैं तो ये क्या है उनकी मोहलत है उनको कुछ वक्त दिया जा रहा है कुछ टाइम दिया जा रहा है लेकिन फाइनली क्या है अल्लाह सुबहाना तै का साथ जो है हमेशा मोमिन के साथ ही है अल्लाह सुबहाना ताल की मदद जो है वो मोमिन ही के लिए आती है और किस तरह से आती है कि मोमिन से जो है अल्लाह ताला उसकी तकलीफों को उससे हटाते रहते हैं और उसके दुश्मनों को उससे दूर कर देते हैं और दुश्मन के मुकाबले में क्या है मोमिन की मदद की जाती है और ऐसा क्यों होता है अल्लाह सुबह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है ला कुल्ला इन कफूर कि अल्लाह सुबहाना तला जो है किसी भी दगाबाज और ना शुक्रे को पसंद नहीं करता तो जाहिर सी बात है यानी जिसको अल्लाह सुबहना पसंद नहीं करते तो उसके लिए फिर मदद भी नहीं आएगी और ये बात भी हमें जो है यानी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि मोमिन के मुकाफिर मुका, के मुकाबले में हमेशा मदद जो है वो मोमिन की आती है और समटाइम्स क्या होता है कि हमें नज़र क्या आता है कि अच्छा बहुत जगहों पे मुसलमान जो है वो पेटरा होता है और दूसरे लोग जो है गालिब होते हैं तो यहाँ पर जो है ना एक और बात अल्लाह सुबह ने बड़े वाजे कर दी कि अल्लाह तला किन को दोस्त नहीं रखता किन की मदद नहीं करता जो कि खवान और कफूर होते हैं तो अल्लाह सुबह की मदद को पाने के लिए यानी इंसान का ईमान पर होना भी जरूरी है और ये जो दो बुराइयां यहाँ पर हमें पता चल रही हैं ना कि खवान यानी दगाबाज धोखेबाज बदयानत होना और ना शुक्रा होना ये भी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए ईमान के साथ साथ क्या है अमानत दारी हो ईमानदारी हो शुक्र हो तो ऐसे में क्या है मोमिन के लिए जो है वो अल्लाह सुबान्ल की मदद आती है और अल्लाह सुबाना तला उसको जो है हर मुश्किल को उससे दूर करते हैं और ये कि उसके दुश्मन को उससे दूर रखा जाता है और फिर क्या था कि जैसे कि हमने ये भी लर्न किया कि आ, जो मक्की दौर था उसमें बेसिकली मुसलमानों को इजाज़त नहीं दी गई थी कि वो वापसी जो है अपना कुछ डिफेंड करें या ये कि उनसे अपना बदला दें मक्का से अपना बदला लें और उनको हमेशा जो है सबर और दरगुजर की तलकीन की गई लेकिन यहाँ पर आया नंबर थर्टी नाइन में हम देख रहे हैं कि अल्लाह रहे हैं कि उजीन अल अल्लाह तला ने जो अब इजाजत दे दी किस चीज की कि जिनके साथ इतना जुल्म किया गया अब उनको इजाजत है कि वो अपना दिफा करें अपने आप को डिफेंड करें और इस आयत के बारे में बेसिकली कहा जाता है कि ये पहली आयत है जो कि अः जिसमे के किताल की जो है वो इजाजत दी गई जंग की इजाजत जो है वो दी गई और इबन अब्बास बेसिकली इसके बारे में कहते हैं कि ये जो है पहली आयत है जिसमे कि इजाजत दी गई थी और अब यहाँ पर उनको यानी ये नौबत क्यों आई कि वो अपने आप को डिफेंड करें और उन पर इतना जुल्म किया गया उनका जुर्म क्या था कि यानी सिर्फ इतनी सी बात कहना कि हम हमारा रब कौन है अल्लाह है सिर्फ एक अल्लाह को मानना जो उनका जुर्म बन गया था और ये चीज़ हम आज के दौर में भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि वहां पर मुसलमानों का को कोई कसूर नहीं था वो मुशीन मक्का के साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे कि इन रिटर्न वो उनके साथ इतना जुल्म और ज्यादती करें सिर्फ और सिर्फ ये कि तोहहीद पर ईमान लाना एक अल्लाह को मानना ये रीजन थी जिसकी वजह से वो उन पर इतना ज़्यादा थे और यानी इसको आज हम कैसे देख सकते हैं कि बहुत बार आप इस चीज को देखेंगे कि किसी के साथ जो है ज्यादती की जाती है या ये कि तास्तुब बरता जाता है या किसी भी तरह से उसको कुछ ना कुछ तकलीफ दी जाती है सिर्फ और सिर्फ उसके इस्लाम पर होने की वजह से उसके मुसलमान होने की वजह से जो है उसको बहुत सारी अः मुख्तलिफेनि अः जरिए से जो उसको तकलीफ दी जाती है और ये चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि किसी का हिजाब लेना जो है उसके जरिए से यानी अगर कोई औरत जो हिजाब लेती है तो सिर्फ इस वजह से हालांकि वैसे क्या कहा जाता है ओह ह्यूमन राइट्स हैं हर किसी को आज़ादी है यानी आज़ादी पे तो फिर इतना जाते हैं कि इतनी आज़ादी आपने जानवर की तरह भी रहना तो आप रह लें यू आर अलाउड यू आर फ्री लेकिन यहाँ पर जब बात आती है कि अच्छा हर कोई आजाद है तो जिस जिसका दिल चाहता है वो हिजाब ले जिसका नहीं दिल चाहता तो ना ले तो लेकिन यहाँ पर आकर जो है फिर वो सारी चीजें जो है एक साइड पे रख दी जाती हैं वो सारे इतने बुलंद नारे जो है वो साइड पे रख दिए जाते हैं और सिर्फ एक चीज कि अच्छा ये इस्लाम पर है ये मुसलमान है और मुसलमान की यानी एक जिसे कह लें कि एक वो पता चल रही है आइडेंटिटी पता चल रही है तो उस चीज को लेकर जो है उसे जो है तकलीफ का जो है वो शिकार किया जाता है कि उसको जो है तकलीफ दी जाए तो पहले दौर में भी था कि ईमान पर होना जो है ये लोगों को बहुत चुभता है और लोग जो है तकलीफ देने की कोशिश करते हैं और ये कि पहले भी होता रहा और आज भी ये चीज़ जो है वो इसी तरह से है और क्या था फिर आगे ला सुबह तरमाते हैं कि अगर ऐसा ना होता कि अल्लाह सुबहाना ताल जो है यानी कौमों को जवाल ना देते तो फिर क्या था कि दुनिया में तो बहुत ही फितना फसाद होता कोई भी जगह किसी के लिए भी महफूज ना होती कहीं पर भी इंसान अपने आप को सिक्योर फील ना करता बहुत ही ज्यादा जिसे कह लें कि फसाद बरपा होता जमीन पर इवन के इबादत गाहें तक भी इंसानों के लिए महफूज ना रहती अगर ये जो आ, कौमों के जो अरूज और जवार है ये सिस्टम अगर अल्लाह ने ना रखा होता तो क्या होता कि इबादत गाहें तक भी जो है वो इंसानों के लिए महफूज ना रहती और ये चीज भी हम इजीली ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से एक कौम जब बहुत अरूज को पहुंचती है और उसका अरूज तब तक रहता है जब तक वो जुल्म नहीं ढाती लोगों पर जैसे ही कॉमें जो है ताकत पकड़ती हैं और उस नशे में दूसरी कॉमों पर जुल्म ढहाना शुरू कर देती हैं और फिर जब उनका फिर ऐसी कौमें जो है जवाल पजीर हो जाती हैं और ये अल्लाह सुबह त प्रिंसिपल है ये कसूल है कि अल्लाह सब ती तरह से जो है ना फिर यानी लोगों को जो है ना दूसरे लोगों से जो है वो हटा देता है बदल देता है और फिर जो है अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो शख्स अल्लाह सुबह तै की मदद करेगा तो उसके लिए अल्लाह तला की मदद आएगी यानी क्या है कि सही बात को हक़ को कायम करना और ये कि अल्लाह के नाम को बुलंद करना यानी दीन को फैलाना और दीन की मदद करना किसी भी तरीके से उसके उसकी अशात में उसकी तबलीग में और किसी भी तरह से तो इस काम में जो भी अपना हिस्सा डालेगा जो भी अपनी कोशिश डालेगा किसी भी तरीके से तो ये अल्लाह सुबहाना ताल का उस शख्स के साथ वादा है कि अल्लाह सुबहाना ताल उसके ज़िंदगी के मामला में उसकी ज़रूर मदद करेंगे जिंदगी के दुनियावी मामला में भी और आखरत में भी जो अल्लाह सुबहाना ताली उनका मददगार होगा और ये के यानी हक को कायम करना जुल्म को हटाना बातिल को हटाना इन सारी चीजों के लिए कोशिश करनी चाहिए और जब क्या है कि अल्लाह सुबहाना यानी वो लोग जो के बातिल को मिटाएं और हक को जो है वो इस्टेब्लिश करें और जुल्म को हटाएं और उसकी जगह इंसाफ को इस्टेब्लिश करें ऐसे लोग जिनको कि अल्लाह सुबहाना तिर इख्तियार दे दें जमीन पर यानी उनको जो अल्लाह सुबहाना तला गलबा दे दे तो फिर ऐसे लोगों की खूबियां क्या हैं कि वो जमीन पर किस तरह का निज़ाम कायम करते हैं नमाज और जक़ात का निज़ाम जो है कायम करते हैं और ये कि मुआशरा कैसा होता है कि उसमें जो है वो नेकियों का नेकी करने का हुक्म देते हैं और बुराइयों से मना करते हैं और जैसे कि हमने पिछली दफा भी देखा था कि अल्लाह सुबहाना तला इस जमीन पर जब मोमिन को गलबा दे या कहीं पर भी उसका इकदार है अथॉरिटी है तो उसे किस चीज की कोशिश करनी चाहिए कि वहां पर जो है सबसे पहले खुद वो अल्लाह सुबह का हक अदा करने वाला अकाम और दूसरों को भी वो फैसिलिटेट करें ऐसा सिस्टम ऐसा निज़ाम हो कि लोग जो हैं आसानी से अल्लाह सुबह का हक अदा कर सकें और अल्लाह सुबहना तला का हक हमें ऐसा लगता है कि अच्छा इबादत जो कि हमारे कुछ खास वो चीजें हैं कि अच्छा हम वो अदा करें तो वो इबादत है यानी अल्लाह का हक क्या है उसकी इबादत करना और उसकी फर्माबरदारी करना उसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना तो जब किसी के पास अथॉरिटी हो पावर हो गलबा हो इकदार हो तो उस पर क्या ड्यूटी आ जाती है कि वो खुद भी जो है अल्लाह की इबादत करे उसकी फर्माबरदारी करे उसके अहकाम के मुताबिक जो है जिंदगी गुजारे और उसके अंडर उसके मातहत जो लोग हैं जो कौम है उसको भी वो फैसिलिटेट करे इस तरह से सिस्टम को रखे कि लोग आसानी से जो है अल्लाह की इबादत कर सकें और क्या है कि उसकी फरमाबरदारी उसके अहकाम के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजार सकें और दूसरी चीज क्या है कि वह आताजा के जकवात आता दें और ये भी यानी इंडिविजअली भी है कि वो खुद भी जो है वो ज़क़ात दे और ऐसा सिस्टम हो कि लोग जो है वो ज़क़़त अदा करें और इसके मीनिंग्स में एक ये भी आता है जैसे कि जब नमाज़ और ज़क़ात दोनों इकट्ठे होते हैं और तो इसका मतलब क्या होता है कि नमाज मीन कि अल्लाह का हक अदा किया जाए और ज़क़़त मीन के लोगों का हक क्योंकि जक़त क्या है ये लोगों को जाती है लोगों की भलाई के लिए होती है तो जकवात का मतलब क्या है के लोगों के हकूक जो है वो उनको मिलने चाहिए किसी के साथ कोई भी जुल्म और ज्यादती में ऐसा मुआरा कायम हो जहां पर के लोग एक दूसरे का हक अदा करने वाले हों ना कि एक दूसरे का हक मारने वाले हों क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि जैसे अगर बहुत जिसे कह लें कि करप्टेड किस्म के हुक्मरान होते हैं सिर्फ अपनी ही वो फिक्र में लगे होते हैं तो यानी आवाम जो है वो भूखी होती है बहुत सारी जरूरतें होती हैं जो पूरा नहीं कर पा रहे होते और फिर क्या होता है कि उन सारी चीजों से लोग मजबूर होकर बहुत से गलत रास्ते इख्तियार करते हैं बहुत से हराम चीजों को इख्तियार करते हैं तो बेसिकली एक हुक्मरान का काम क्या है कि ऐसा मुआशरा कायम करे कि जिसमें जो है लोग दूसरों का हक हाँ अदा करने वाले हों ना कि दूसरों का हक हाँ जो है वो मारने वाले हों क्या होता है कि लोग जो है जैसे जायदाद की बात होगी तो उसमें कोशिश करेंगे कि अच्छा जो है किसी तरह दूसरे का हक हाँ मारकर हम ले लें या रिश्वत खोरी की तरफ चले जाएंगे तो ये सारी चीजें क्या है यानी अगर आप पीछे से चेन में लाएं तो ये बेसिकली जो है हुक्मरानों पर चला जाता है कि वो ऐसा मुआरा कायम करें कि इस हद तक नौबत जो है ना वो नहीं पहुंचनी चाहिए कि लोग जो इस तरह से दूसरों का हक हाँ जो है वो मारना शुरू कर दें और फिर क्या है कि नेकियों का हुक्म देने वाले हों और बुराइयों से मना करने वाले हों अब ये सारी चीजें बताने के बाद जो है अब चूंकि वहां पे सिनेरियो क्या चल रहा था कि ये मक्की सूरत है यानी कुछ आ, जो है आयत बिफोर हिजरा नाजिल हुई और कुछ जो है बाद में नाजिल हुई यानी कुछ मदनी है और कुछ मक्की है तो अब वहां पर जो है यानी ये देखें कि मक्का में क्या था कि मुसलमान तो जाहिर सी बात है नहीं थे लेकिन एक तरह से अब उनको ये बात बताई जा रही है कि मदद तुम्हारे साथ ही है अल्लाह सुबहाना मदद तुम्हारे लिए आएगी और फाइनली अगर तुम ईमान पे कायम रहोगे तो क्या होगा कि अल्लाह ताला तुम्हें इकदार भी देगा और जब इकदार देगा तो तुम्हारी ये ये ड्यूटीज हैं तुमने ऐसा ही मुआशरा कायम करना है और सुबह अल्लाह हम ये चीज देखते हैं कि किस तरह से जब बाद में मुसलमानों को फूहत मिली तो उन्होंने इसी तरह का माशरा जो है वो कायम किया अब ऐसे उसमें जो है यानी एक ऐसा माहौल है कि जहां पर के दुश्मन आपका डोमिनेंट है आप बहुत थोड़ी तादाद में हैं बहुत कमजोर हैं और कुछ भी यानी कोई उम्मीद की राह नजर नहीं आ रही कि कहाँ फतूहत हो और कहाँ गलबा हो कहाँ इकतदार हो तो ये सारी चीजें जो है ना बेसिकली इनको डायजेस्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहीं युका जिबू का कि अगर ये आपको ये लोग जुटलाते हैं तो ये जो ये जो सिचुएशन चल रही है ना आप के साथ और सहाबा कराम के साथ के कौम जुटला रही है और कौम जो है वो हावी हो रही है उन पर तो ये पहली बार नहीं है अगर आप पीछे हिस्ट्री में देखें तो इससे पहले भी एग्जैक्टली exactly इसी तरह से बातें चलती रही लेकिन एंड क्या हुआ आखिरकार कि अल्लाह सुबहाना तदद जो है रसूल के लिए और उसके मानने वालों के लिए पहुंची और डोमिनेंट कौन हुए रसूल और उसके मानने वाले और यहां पर जो है एक तरह से तसल्ली दी जा रही है कि अगर आपको ये आपकी कॉम झुटलाती है तो इससे पहले कौम नूह ने भी नू सलाम को झुटलाया और ये किद्लाम को भी कौम आर ने झुटला दिया सौले को भी कौम समूद ने झुटला दिया और इसी तरह इब्राहिम लूतम शुएब और मूसा सब सबको उनकी कौमों ने झुटला दिया था क्या ऐसा क्यों हुआ यानी ये जो थोड़ा सा पीरियड आता है ये क्यों था तो ये थोड़ी सी मोहलत होती है ये थोड़ी सी ढील होती है जो कि अल्लाह सुभान सब जो है वो अः काफरों को देते हैं और फिर क्या होता है के जब उनकी मोहलत पूरी हो जाती है अख़स तो फिर उनकी पकड़ आ जाती है फकई फाना नकीर कि फिर कैसा था मेरा आजाब यानी बहुत ही जबरदस्त किस्म की पकड़ जो है फिर होती है और फिर अल्लाह त्याते हैं फक बस बहुत सी मिनकर बस्तियां हैं अहलक नाह कि हलाक कर दिया हमने उनको यानी बहुत सी बस्तियां हैं कि जिनको हलाक कर दिया और कब हलाक किया यू ही बिना किसी रीजन के बिना किसी वजह के जो है वो हलाक नहीं किया बल्कि क्या था वो जुल्म में मुलिस थी बहुत बहुत जुल्म में पड़ चुकी थी फाहिया अपनी छतों पर वन और कुएं तिन बेकार पड़े हुए व कसरिन और महल मशीद मजबूत अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो पिछली कौमें जिनका जिक्र किया गया जिन्होंने अपने को जुटलाया तो यानी अगर उनकी तरफ देखा जाए कि उन कौमों को हलाक कर दिया हलाक क्यों किया क्योंकि वो जुल्म थे जुल्म क्या था दोनों तरह से जुल्म था कि अल्लाह का हक भी नहीं अदा कर रहे थे शिर कर रहे थे या इनकार कर रहे थे कुफर कर रहे थे और दूसरा क्या था कि लोगों का हक भी नहीं अदा कर रहे थे लोगों के साथ भी जुल्म और ज्यादी कर रहे थे जैसे कि हम फिरौन के बारे में देखें फिर क्या था एक तरफ तो कुफर कर रहा था खुद ही को जो है वो खुदा कह रहा था और दूसरी तरफ बनी इसराइल के साथ भी बहुत ज्यादा ढा रहा था तो दोनों तरह का जुल्म जो है ऐसी कौमों में था कि अल्लाह सुबहाना मामले में भी जुल्म कर रहे थे और लोगों के मामले में भी तो अल्लाह तला ने उनको हलाक कर दिया और अब इनकी हालत कैसी है कि खावियतुन खावियत अलाशिया यानी ये कॉमें जो है ना ये कोई मामूली कॉमें नहीं थी कि अच्छा बस यूं ही सी थी कोई सिविलाइज नहीं थी कोई तरक्की नहीं थी कोई ताकत नहीं थी उनके पास तो यूं ही भूख की वजह से और अफलास की वजह से मर गई या कुछ इस तरह से ऐसा नहीं बल्कि क्या था कि बहुत ताकतवर कॉमें थी लेकिन अब उनका हाल क्या है कि उनकी जैसे कि रिमेनिंग जो बिल्डिंग है जो उनके खंडरात हैं कैसे वो उनकी छतें तक जो है वो गिरी पड़ी हैं मींस के खंडरात उनकी वो जो आलीशान इमारतें जो वो बनाया करते थे और जो कुछ भी उन्होंने वहां पर रखा हुआ था अपनी अः शान शौकत को अपनी अजमत को दूसरी कौमों पर जताने के लिए वो सारे का सारा अब क्या है खंडरात में बदल चुका है और क्या है कि कुएं अब क्या है मअत्ल पड़े हैं यानी बेकार पड़े हैं यानी चीजें वहां पर है मअत्तल मीन यानी जो कि जो फंक्शनल ना रहे ऐसी चीज जो के वर्किंग ना रहे जो फंक्शनल ना रहे वो क्या जाती मौत्तल हो जाती है हो जाती है, जैसे किसी को मअत्तल कर देना यानी पहले काम कर रहा था मतल कर दिया इट मींस कि अब वो फंक्शनल नहीं रहा अब अपने काम को नहीं कर रहा तो कुएं क्या है बेकार पड़े हुए यानी ऐसा नहीं था कि कौमे मर गई ओहो कुओं में पानी खत्म हो गया कुएं जो हैं स्टिल वहीं पर हैं पानी है उनमें लेकिन कौमें हलाक हो गई इस वजह से क्या है कुएं क्या है बेकार पड़े हैं फंक्शनल नहीं है और क्या है कि महल कैसे थे उनके बहुत मजबूत थे और मजबूत के अलावा क्या है यानी बहुत ही खूबसूरती और नफासत के साथ बने हुए थे यानी इस तरह से था कि शदीद और यानी आ, मशीद में जो है बेसिकली क्या है कि मजबूती भी है और ये कि खूबसूरती भी है कि दोनों तरह के मीनिंग्स आ रहे हैं कि बहुत खूबसूरत बहुत बड़े बड़े और बहुत मजबूत किस्म की बिल्डिंग्स थी लेकिन अब क्या है कि बिल्कुल खाली पड़ी हैं और खंडरात बन चुके हैं और ये जो बात बताई जा रही है ये सबक सीखने के लिए ये इबरत सीखने के लिए है। और होता क्या है कि इंसान इन चीजों के जैसे जो पिछली कौमे हैं उनकी चीजें हैं खंडराह होते हैं वहाँ लोग जाते हैं सिर्फ सैर तफरी करने के लिए और बस जस्ट ये देखने के लिए कि अच्छा ये इतनी पुरानी तहजीब है और ये वहां पर ये चीजें इस तरह से थीं इस तरह से लोग रहा करते थे इस स्टाइल के घर बना करते थे ये सारी चीजें यानी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और आप कह लें कि भी सैर तफरी के लिए जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए लेकिन में असल में है क्या कि ये चीजें अल्लाह सुबहाना ने उनकी रिमेनिंग्स छोड़ दी क्यों ताकि आने वाले लोग जो हैं इन चीज़ों से सबक सीखें इन चीजों से सबक सीखें और उन कामों को उन चीजों को ना दोहराएं जो उन कामों ने किया और वो उनकी हलाकत का सबब बन गए इसीलिए जो है अब ये देखें कि यानी क्या है कि एक तो ये बात भी कि इंसान सबक नहीं सीखता और इसके अलावा अगर हम जरा थोड़े से छोटे लेवल पर भी देखें कि यानी क्या होता है कि जिंदगी में लोग जा रहे होते हैं इस दुनिया से और चीजें उनके पीछे पड़ी रह जाती हैं चीजें पीछे पड़ी रह जाती हैं यानी क्या होता है कि घर होते हैं यानी माँ बाप का या दादा दादी का यानी वही घर बहुत आबाद होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं बड़े वेल मेनटेनड well होते हैं और फिर एक जमाना आता है कि यानी क्या होता है कि वो लोग जो उन घरों को मेंटेन करने वाले होते हैं खूबसूरत बनाने वाले होते हैं उन घरों से चले जाते हैं वो घर और वो चीजें वैसे ही रह जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि वही अच्छी खूबसूरत दीवारें होती हैं सीमेंट उनके उखड़ना शुरू हो जाते हैं यानी बेसिकली वेरान होना शुरू हो जाते हैं वेरानी उनमें आना शुरू हो जाती है होता है ना कि जैसे आबाई घर जब होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कोई फिर देखभाल नहीं करता और किस तरह से वो खंडर में तब्दील हो जाते हैं चीजें स्टिल वहीं रह जाती हैं लेकिन उनको इस्तेमाल करने वाले वहां से चले जाते हैं तो बेसिकली ये एक लेसन होता है कि आज हम अगर यहाँ पर जिन घरों में हैं जो कि वेल well मेंटेन्ड हैं तो इनका भी यही हाल होने वाला है इनका भी यही हाल होने वाला है कि आज हम यहाँ पर हैं तो कल नहीं होंगे बिल्कुल एग्जैक्टली exactly इसी तरह से कि जैसे कि हम अपने आबाई घरों को देखें जो हमारे दादा दादी या माँ बाप के थे कि वो घर हैं लेकिन घरों के मकीन नहीं रहे और घरों की हालत भी वो नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी और फिर क्या है कि यानी ये चीजें क्या है कि इंसान इनसे अपनी अपनी अकल और अपनी बसीरत जो है ना उसको इस्तेमाल करे इन चीजों का मुशाह करे और असल सबक सीखे जो कि अल्लाह सुबहाना तला सिखाना चाहते हैं क्या सिखाना चाहते हैं कि इंसान जो है इस दुनिया में अल्लाह सुबहाना तला का फरमाबरदार बंदा बनकर रहे और अगर नहीं रहेगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता थोड़ी सी मोहलत जरूर है लेकिन फाइनली क्या है कि उसको हलाक कर दिया जाएगा और ये कि यानी जिंदगी क्या है आर्जी है एक दिन वो यहां से चला जाएगा जिन चीजों में पढ़कर जिन चीजों में मशगूल होकर वह अल्लाह सुबहल तला का नाफरमान बन रहा है वो चीज़ें क्या है यूं ही पड़ी रह जाएंगी और फिर क्या है फिर अल्लाह सुबह फरमा रहे हैं कि ऐसा क्यों है यानी अल्लाह ने ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में रख दी पुरानी कॉमों के जो आसार हैं वो भी हमारे सामने रख दिए उनके वाकियात भी हमें बता दिए कुरान के जरिए से भी बता दिए लोग तहकीकत करते हैं रिसर्चेस करते हैं सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं सारी तहकीक करते हैं सब कुछ हमारे सामने आ गया लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि लोग सबक नहीं सीखते अल्लाह सब अब इसकी रीजन भी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि लोग इन चीजों से ये जो यानी लोगों की रिमेनिंग हैं, उनसे सबक क्यों नहीं सीखते यानी ये, ये भी होता है ना कि जैसे आ, क्या होता है कि ये जो म्यूजियम वगैरह होते हैं उनमें भी देखें कि अच्छा यानी आप जाए तो पता चलता है कि अच्छा ये 500 सौ साल पुरानी कोई छोटी सी चीज पड़ी हुई है ये 600 सौ साल पुरानी थी ये दो सौ साल पहले का इस तरह का किचन की इस तरह की चीजें थी ये इस तरह से था तो यानी एक जो इंसान है जो मोमिन है वो तो इन चीजों से यानी बहुत अपने लिए सबक सीखता है और उसका दिल थोड़ी देर के लिए हिल जाता है कि ये जो चीजें आज हम यूं देख रहे हैं ना अपने फन के लिए जस्ट अपने आप को एंटरटेन करने के लिए जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए ये कभी लोगों की थी। लोग इनको इस्तेमाल किया करते थे तो जस्ट अपने आप को रख के देखें कि कि कल ऐसा भी होगा कि हम नहीं होंगे लेकिन हमारी चीजें डिस्प्ले होंगी और उनको देखने वाले और लोग होंगे तो बेहतर क्या है कि इंसान इस जिंदगी का भरपूर फायदा उठाए और जुल्म से बचे अल्लाह के मामले में भी जुल्म करने से और लोगों के मामले में भी जुल्म करने से और फिर अल्लाह सुबहान तला रीजन आगे बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि लोग सबक नहीं सीखते अफलम क्या पस नहीं यसीरु उन्होंने सैर की फिल अर्दी जमीन में फतकुना तो हो जाते लहम उनके लिए कुलूबन दिल या किलूना समझने वाले अब अल्लाह सुबहान तला फरमा रहे हैं कि क्या इन लोगों ने जमीन में चले फिरे नहीं सैर नहीं की सैर की होती और इनके दिल ऐसे होते जो के समझने वाले होते जो के समझ लेते और क्या है कि या समझने वाले होते बिहा इनसे औ या या इनके कान होते सुन सकते बिहा इनसे यानी क्या होता कि इनके पास ऐसे दिल होते जिनसे के ये चीजों की हकीकत को जान सकते पहचान सकते ऐसे कान होते कि जिससे कि ये हकीकत को यानी उस हकीकत को सुन सकते सुनते तो हैं लेकिन क्या है कि रियलिटी को जो है वो जिसे कह लें पीछे करके जिस जो लेना चाहते हैं वही लेते हैं जो असल हकीकत है उसको अपने कान से पीछे पीछे रखते हैं उसको कान के अंदर उतरने ही नहीं देते और फिर क्या साल नहा बस बात यह है लातामा नहीं अंधी होती अलअसारू आंखें वाला और लेकिन है, क्या है? रहे हैं कि ये लोग जो है, करते इन चीजों का मुशाह करते और सबक सीखते और इनके पास ऐसे दिल होते जिनसे ये क्या करते कि चीजों की हकीकत को समझ लेते असल बात को पहचान लेते और इनके पास ऐसे कान होते कि जिससे कि ये हकीकत जो है इनके कानों तक पहुंच सकती उसको ये एब्जॉर्व कर सकते लेकिन है क्या कि असल बात क्या है कि लोगों के पास मेजॉरिटी आपको कैसी नजर आती है मेजॉरिटी के पास आंखें भी हैं सुनने के लिए और देखने के लिए क्या है कि सॉरी सुनने के लिए कान है और देखने के लिए क्या है आंखें हैं यानी बहुत कम जो है लोग ऐसे होंगे दुनिया में जो कि देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते मेजॉरिटी जो है वो देख भी सकती है सुन भी सकती है लेकिन इसके बावजूद मेजॉरिटी जो है आपको कुफर में न शुक्री में और जुल्म में इन्वॉल्व नजर आती है क्यों इसकी रीजन क्या है कि इसकी रीजन ये नहीं है कि अच्छा क्या है कि आंखें अंधी होती हैं यानी फिजिकली अंधी होती हैं तो शायद इसलिए उनको हकीकत जो है पता नहीं चली असल में बात क्या है कि आंखें अंधी नहीं होती इंसान का दिल अंधा होता है उसके सीने में जो दिल है बेसिकली वो अंधा हो चुका होता है जिसकी वजह से उसको ये हकीकत जो है वो पता नहीं चलती और ये देखें कि यहाँ पर जो है ना यानी ये कहा जा रहा है कि असल में तो क्या होता है कि आंखें जो है वो अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधा होता है और अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना बेसिकली है क्या कि सारे का सारा जो भी इंसान की जिंदगी में चल रहा होता है ना ये सारा डिपेंड कर रहा होता है उसके दिल पर ये सारे का सारा यानी जिसे कह लें कि मरकज और महवर जो है ना जो सेंटर है वो उसका दिल है जैसा दिल होगा यकीन करें कि वैसी ही उसकी जिंदगी होगी ये दिल जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कुरान में देखें दिमाग से ज्यादा दिमाग की बेसिकली बात ही नहीं है सबसे ज्यादा जो है ना दिल की बात है कि अगर दिल बेहतरीन है तो इंसान बेहतरीन है लेकिन अगर दिल खबीस है तो इंसान भी खबीस है और उसका अमल भी खबीस होगा और इसी तरह अगर दिल जो है अंधा नहीं है दिल जो है अंधा नहीं है मुर्दा नहीं है तो फिर क्या है कि यानी उसको हर चीज़ जो है ना ठीक नजर आएगी आंखें ना होने के बावजूद भी उसको सच और हकीकत जो है ना उसको पता चल जाएगी अगर उसका दिल जो है अंधा और मुर्दा नहीं है लेकिन अगर दिल अंधा है दिल मुर्दा है तो उसके पास खास सिक्स सिक्स आईज हो जैसे मर्जी उसके कान हो तेज तरीन उसके कान हो लेकिन क्या है कि वो हकीकत को नहीं जान पाएगा हकीकत जो है हकीकत के मुताबिक जो, जो जिंदगी नहीं गुजार पाएगा और ये भी है कि यानी दिल को क्या कहा जाता है कि ये बेसिकली अः इंसानी जिसम का जिसे कह लें कि बादशाह है ये दिल जो है ना इंसानी जिसम में एक तरह से किंग का काम करता है रूलर है, बादशाह की तरह काम करता है और ये जो बाकी आजा है हमारे जिसम के ये सारे के सारे इसकी एक तरह से आर्मी है इसकी फौज है जो इसके कमांड पे बेसिकली काम करती है हमें क्या लगता है कि हमारा दिमाग है जो कि हमारे पूरे जिसम को हमारे बॉडी पार्ट्स को जो है वो कंट्रोल कर रहा है और जैसा वो क्म देता है जिस तरह से कमेंट देता है तो उसी तरह से हमारे जो जिसम के आजा हैं वो काम करते हैं तो ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है लेकिन असल जो हकीकत है ना वो ये है कि असल बादशाह जो है ना वो दिल है ये दिल है जो कि हुक्म देता है और जिसम जो है वो अमल कर जाता है जिसम के अजा जो है वो अमल कर जाते हैं और ये देखें कि जैसे कि यानी अगर हम थोड़ा सा रिसर्च में भी जाएं साइंस में भी जाएं तो वहाँ पर भी हमें क्या बात पता चलती है कि ये जो आ, दिल और दिमाग है ना बेसिकली एक तरह से दो तर दो तरफा इनमें जो है ना गुफ्तु होती है यानी आपस में एक जिसे कह लें कि म्यूचुअल सी कन्वर्सेशन होती है और जो कुछ भी होता क्या है कि पहली बात जो है ना वो दिल की होती है यानी आपस में दिल और दिमाग की आपस में कम्युनिकेशन किस तरह से होती है कि फर्स्ट जो चीज़ होती है ना वो दिल की होती है यानी दिल को कोई बात अच्छी लगती है दिल को कोई बात अच्छी लगती है और दिल चाहता है कि वो उस काम को कर ले उसका जिसम जो है उस काम को कर जाए ऑब्वियसली किसी भी काम को करने के लिए हमारे हमें अपने आज़ाद दरकार होते हैं जिसम के बॉडी पार्ट्स दरकार होते हैं उस काम को करने के लिए अमल को करने के लिए तो दिल जब किसी चीज़ को पसंद करता है उसके बाद वो चाहता है कि मेरा जिसम इस काम को कर जाए तो क्या होता है कि साथ ही जो है यानी अकल जो है ना इंसान की दिमाग अगर वो काम गलत होता है तो अकल और उसका दिमाग जो है ना वो रिजिस्ट करेगा लेकिन अगर दिल जो है अपनी उस ख्वाहिश में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है बहुत स्ट्रोंग है तो क्या होता है कि दिमाग जो है ना ऐसे दलाइल देना शुरू कर देगा ऐसे उस बात को जस्टिफाई करना शुरू कर देगा के और जस्टिफाई करने के बाद क्या है उसके अकॉर्डिंगली जिसम को जो है ना कमेंड कर देगा और फाइनली क्या होगा कि इंसान उस काम को कर जाएगा तो बेसिकली क्या होता है कि दिल में जब ख्वाहिश जो है ना बहुत स्ट्रोंग होती है तो दिमाग भी जो है ना उसको करने के लिए मुख्तफ हीले बहाने जो है ना होता है ना समाइम्स हम कहते हैं कि अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने शॉपिंग uh, करनी है आपको बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमें पता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है है टू मच कॉस्टली और खाम खां में हम खरीदेंगे तो खाम खां की जो है ना फजूल खर्ची होगी तो अब क्या होता है कि फर्स्ट उसमें क्या होता है कि आप लिबास देखते हैं आपको पता चल रहा होता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है वर्थ नहीं करता खाम ख़्वा में किस लिए इतने ज्यादा पैसे लगाने तो देखते साथ ही आपको अच्छा लगता है लेकिन आपका दिमाग फौरन जो है ना आपको बताएगा कि नहीं रहने दो ये बहुत एक्सपेंसिव है छोड़ो लेकिन चूंकि अब अगर आपको ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद है ना तो साथ ही जो है ना यानी दिमाग क्या आपको जो है ना उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देगा उसकी प्राइस को उस फजूल खर्ची को जस्टिफाई करना शुरू कर देगा किस तरह से कि अच्छा देखो या प्राइस तो ज्यादा है लेकिन ये भी तो देखो इस ब्रांड का भी तो है और टेक्सचर देखो कितना जबरदस्त मटेरियल है बहुत ही खूबसूरत और बड़े पायदार किस्म का लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही खूबसूरत है यानी इस तरह के तो कॉम्बिनेशन मिलते ही नहीं है ना आम प्राइस में तो मिलते ही नहीं है ना फिर अगर हम कहें कि अच्छा आम प्राइस में भी इस तरह का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो मिलेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली अगर मिलेगा नहीं तो सी बात है कि प्राइस तो इसकी फिर ज्यादा होनी ही है तो ये वो सारी जस्टिफिकेशन है जो कि आपका दिमाग आपके दिल के सामने मजबूर होकर देना शुरू कर देगा और जब दिमाग इस तरह से जस्टिफाई करता है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि वो यानी बेसिकली कमांड दे देगा कि अब कार्ड उठाओ और पेमेंट कर दो तो ये वो चीज है असल में क्या है यानी क्या बात पता चल रही है कि ये कंट्रोल uh, कहाँ पर है दिल में है तो दिल बेसिकली इंसान का जब अंधा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि उसे कोई भी चीज फिर नजर नहीं आती फिर वो सही को पहचान नहीं पाता हक को पहचान नहीं पाता और यही चीज अल्लाह सुबहाना तला यहाँ पर बता रहे हैं कि ये दिल ही है जो कि क्या करता है कि इंसान का अंधा हो जाता है तो फिर वो इस हकीकत को जान नहीं पाता यानी बहुत सारी चीजें अल्लाह सुबहाना ने इंसानों के मुशाहदे के लिए इस दुनिया में छोड़ दी बहुत सारे वाकयात बहुत सारी चीजें सराउंडिंग में ऐसी होती हैं जिनसे इंसान अगर चाहे तो बहुत सबक सीख ले चाहे तो बहुत कुछ जान जाए चाहे तो बहुत कुछ जो है वो सीख जाए लेकिन मेजॉरिटी नहीं सीखती क्यों नहीं सीखती रीजन उसकी यही है कि उनके दिल क्या होते हैं अंधे होते हैं और ये भी देखें कि यहाँ पर जो है दिल के साथ साथ जो है ना कानों की और आंखों की भी बात हो रही है और ये बात भी बड़ी यानी जिसे कह लें कि आसानी से समझने वाली है कि हमारे दिल के अंदर जो चीजें उतरती हैं ना उनका जरिया ये दोनों चीजें हैं दिल के अंदर जो बात उतरती है दिल के अंदर जो चीज खुब जाती है जो अच्छी लग जाती है जो भा जाती है उसके दो ही जरिए हैं या तो आपकी आंखें हैं या आपके कान हैं आंखों से देखेंगे चीज बहुत खूबसूरत लगी तो वो दिल में उतर जाएगी नहीं लगी तो वो बस आंखों से टकरा के वापस चली जाएगी वो दिल तक नहीं पहुंचेगी और जब दिल तक नहीं पहुंचेगी तो वो दिल और दिमाग की आपस में कम्युनिकेशन नहीं होएगी कम्युनिकेशन नहीं होएगी तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है वो यानी अमल भी नहीं होगा और इसी तरह कानों की भी बात है कि यानी दिल में बात कैसे पहुंचती है कानों के जरिए से सेकंड चीज क्या है कि कानों के जरिए से पहुंचती कुछ आप सुनते हैं वाह ब्यूटीफुल कितना खूबसूरत है कितनी जबरदस्त बात है तो जब वो बात जबरदस्त लगती है तो दिल के अंदर पहुंच गई तो उसी के मुताबिक आपका, आपका अमल भी हो जाएगा कहीं पर आपने कोई अच्छी बात सुनी कानों ने उस बात को कबूल किया कान खुले थे कान खुले मीन सुन रहे थे कानूनों कान जो है उस बात को कबूल कर रहे थे कबूल करके उन्होंने दिल के अंदर तक उतार दिया तो फिर क्या होगा कि इंसान का अमल भी उस बात के मुताबिक हो जाएगा होता क्या है कि इंसान इतना बहुत बार आपने देखा होगा कि हम जो है क्या होता है कि इतना कुछ सुनते हैं बहुत कुछ सुनते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है हमें सुनाई दे रही होती है इसके बावजूद अमल क्यों नहीं बदलते इसके बावजूद अमल क्यों नहीं बदलते क्योंकि बातें जो है ना वो कानों से हमें लगता है कि हमें सुनती हैं लेकिन असल में सुनी हुई बात वही है जो कि दिल में उतरी और उतरने के बाद हमारे अमल का हिस्सा बन गई वो बात हमने सुनी ही नहीं वो बात हमने सुनी ही नहीं जो सिर्फ कानों के पर्दे से टकराई और वापस चली गई वो बात यकीन करें वो सुनने में नहीं आती वो बात सुनने में नहीं आती जो कि सिर्फ कानों के पर्दों तक टकराए और वहीं से वापस चली जाए सुनी कौन सी जो कानों से होकर दिल में उतरी और वहां से दिल के हुक्म पे क्या हुआ कि जिसम जो है वो अमल कर गया उस बात पर अमल कर गया तो बेसिकली क्या है कि ये दो चीजें हैं कान और आंखें ये दो ऐसे विंडोज हैं बेसिकली जिनके जरिए से क्या होता है कि इंसान के दिल में बात पहुंचती है और वहीं से जो है वो फिर सारा या तो अच्छे की तरफ चला जाता है या फिर बुरे की तरफ चला 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 जा चला जाता है तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंसान अपनी ये दो नेमते जो आंखें और कान है ना इनका जो है ना बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए किस तरह से कि जो इंसान यानी इनके जरिए से जो अच्छा सुने तो उसको सुनकर अपने दिल तक पहुंचने दे जो कुछ अच्छा देखे तो उस अच्छे देखने को अपने दिल तक पहुंचने दे ना कि ये के सिर्फ पर्दे तक पड़ा कान के पर्दे तक पड़ा उसको वहीं से जो है वापस लौटा दिया आंख से देखा और वहीं से उसको वापस कर दिया क्योंकि है क्या कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि क्या होता है कि दिल अंधे होते हैं और फिर क्या है अल्लाह सुबह तला क्या फरमा रहे हैं वस्ता अजीलूना का वो जल्दी मांगते हैं आपसे बिलादाबी अजाब अधाद को वलन और हरगिज नहीं युख लिफा खिलाफ करेगा अल्लाह अल्लाह वादा हूँ वादा अपना अब अल्लाह सुबह तला फरमा रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपसे जल्दी अजाब को मांग रहे हैं वो मक्का जो है ना बेसिकली बहुत डिमांड करते होते थे कि अच्छा आप हमें हमेशा डराते रहते हैं कि जी बात नहीं मानोगे तो अजाब आ जाएगा इस तरह से पकड़ हो जाएगी तो वो जो अजाब है वो हम पर आ जाए तो यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि ये लोग जस्ट जल्दी कर रहे हैं यानी ऐसा नहीं है कि इनकी पकड़ नहीं होगी इन पर अजाब नहीं आएगा और जो है ऐसा कुछ नहीं होगा बल्कि क्या है कि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता उसका वादा है कि ना मानने वालों को सजा देगा कुफर करने वालों को सजा देगा ना फरमानों को सजा देगा तो ये वो वादा है जो कि तआला पूरा करके छोड़ेगा और ये जो आ, लोगों को लग रहा है कि अच्छा अब तक हम पर अजाब क्यों नहीं आ जाता अब तक हमारी पकड़ क्यों नहीं हो जाती तो बात क्या है वह इन्ना और बेशक यौमन एक दिन आइंदा नजदीक रब्बिका तेरे परवरदिगार के कैसा है का अल्फी मानिंद एक हजार के सनातन साल के माउदून उसमें से जो तुम गिनते हो अब अल्लाह सन्ना तआला फरमा रहे हैं कि ये जो लोगों को लगता है कि अच्छा अगर अल्लाह ताला जो है हम उसके नाफरमान बन रहे हैं नाफरमानी कर रहे हैं कुफर कर रहे हैं और अल्लाह ताला जो है बहुत ताकत वाला है पकड़ कर सकता है तो हमारी पकड़ होती क्यों नहीं दिन रात हम नाफरमानी करते हैं तो हमारी पकड़ होती क्यों नहीं वजह क्या है कि बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक रोज तुम्हारे हिसाब से क्या है हजार वर्ष का है यानी क्या है कि हमारा एक हमारे एक हजार साल किसके बराबर है अल्लाह ताला के हाँ एक दिन के बराबर है हमारा एक हजार साल और अल्लाह ताला के हाँ क्या है अभी वो एक ही दिन है तो समाइम्स क्या होता है कि जैसे हम ये देखते हैं कि अच्छा अच्छा फला कौमें तो जो है बहुत ढा रही है कब से जो है वो गलत कामों में मुलविस हैं नाफरमानी कर रही हैं तो उनकी पकड़ क्यों नहीं होती तो ये जो है ना पकड़ जिसे कह लें कि कुछ दिनों की बात नहीं है बल्कि अगर हम देखें यानी एक हजार साल तो एक हजार साल तो एक लंबा टाइम होता है जो कि अल्लाह तआला मोहलत दे रहे हैं यानी ये बेसिकली फिक्स नहीं है कि अच्छा एक हजार साल ही की कि कि किसी कौम को मोहलत दी जाती है हमारे मुताबिक यानी हमारा एक जो है वो एक हजार साल और अल्लाह तआला का एक दिन तो ये बेसिकली टाइम डिफरेंस है और इस चीज को भी समझना जो है ना आज हमारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा लेकिन अल्लाह देखें कि उस दौर में जो है अः सहबा कराम किस तरह से यानी उनका ईमान जो है किस कदर मजबूत था कि किस तरह से अः इस तरह की चीजों को पर भी वो आसानी से जो है वो ईमान ले आते होते थे क्योंकि ये यानी उस दौर में ये बात कहना कि अच्छा हमारा एक हजार साल गुजरे और अल्लाह ताला के हाँ अभी सिर्फ एक ही दिन हो हाउ कम ये डिफरेंस कैसे हो सकता है कि हमारा जस्ट एक दिन और अल्लाह के सुन हाँ, जो है वो सॉरी हमारा अल्लाह सुबह का एक दिन और हमारा जो है वो एक हजार साल लेकिन आज जो है आप इस चीज को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है टाइम डिफरेंस जो है ना वो होता है यानी अगर आप देखें कि किस तरह से जो डिफरेंट प्लैनेट्स है ना उन पे आपको डिफरेंट टाइम पीरियड नजर आता है जैसे कि जमीन का जो एक दिन है उसकी मकदार जो है बाकी डिफरेंट प्लैनेट्स पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी और जैसे कि हमारे जमीन पर जो है चौबीस घंटे का एक दिन है लेकिन जुपिटर पर जो है दस घंटे का एक दिन है और इसी तरह से जो है वो यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे जो है एक दिन की मकदार जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आती है और इसी तरह यानी अगर आप देखें कि अगर उनके दिनों का हिसाब हम देखें तो उस पर जो है अगर हम अपनी एज को भी कैलकुलेट करें तो किसी प्लानिट पर जो है ना हमारी एज जो है ना अगर कोई आज चालीस साल का है तो उसकी एज किसी डिफरेंट प्लानट पर अभी डेढ़ साल ही की होगी और समाइम जो साल से भी कम होगा अभी वो क्योंकि वहां पर जो है ना यानी उसकी रूट बेसिकली डिपेंड करता है कि कितने अरसे में जो है वो आ, उसके गिर्द जो है वो चक्कर जो है अपना कंप्लीट करता है सूरज के गिर्द तो यानी क्या है कि टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट हो जाता है और हमें लगता है कि अच्छा इतनी तो अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी अभी तक फ़लाँ की पकड़ क्यों नहीं हो रही फलाँ तो इस तरह से फलाँ कॉमें इस तरह से कर रही हैं तो हम तो कहते हैं कि अच्छा अल्लाह ताला जो है पकड़ कर लेता है तो पकड़ क्यों नहीं आ रही तो ये बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि हमारा जो है आ, हमारे हज़ार साल अल्लाह सुबहाना तला का एक दिन है और ये टाइम डिफरेंस ऐसा है कि इसको हम आज आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इंसान कहे कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारा तो सिर्फ एक ही दिन हो और सॉरी हमारे हजार साल गुजर जाए और अल्लाह का जो है अभी सिर्फ एक ही दिन हो और ये चीज भी होती है ना कि टाइम का रेफरेंस जो है ना बेसिकली चीजों के हिसाब से भी होता है यानी चीज जो है ना जितनी उसकी लाइफ होती है या जितनी जितना वो बड़ा होता है साइज में या उसकी लाइफ स्पेन जितना होता है उसके हिसाब से भी टाइम मैटर कर रहा होता है यानी वो आपको फील होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि कुछ चीजें हमें नजर आती हैं जानवरों में कि उनकी जिंदगी जो है किसी की जिंदगी जैसे दस दिन की होगी किसी की पंद्रह दिन की कोई एक महीना कोई दो महीना किसी की साल होती है तो अब जैसे अब हेम्स्टर है उसकी यूजुअली लाइफ क्या होती है कि एक साल की होती है अब उसका तो ये पूरा एक लाइफ यानी पूरा एक लाइफ स्पैन है कि उसने पैदा होना है बड़े होना है और पूरी अपनी जिंदगी गुजारनी है सारा कुछ है उसमें लेकिन वो हमारे लिए क्या है जस्ट वन ईयर लेकिन उसकी क्या है पूरी जिंदगी जो है वो एक साल ही परमबनी है पूरी की पूरी जिंदगी यानी उसके लिए बेसिकली वो एक साल ही क्या है बहुत है बहुत बड़ा है क्यों क्योंकि उसके लिए फिर इसी तरह से जो दिन की भी मकदार है ना वो क्या होगी क्योंकि पूरे साल की तो उसकी जिंदगी है पूरे साल यानी एक साल की तो उसकी जिंदगी है तो एक साल में से एक दिन भी जो है ना वो उसके लिए बहुत बड़ा होगा एक साल के अगर एक साल की जिंदगी हो तो उससे कंपैरिजन करें तो एक दिन भी उसके लिए क्या होगा हमारी तरह का नहीं होगा कि अच्छा अभी सुबह हुई और अभी शाम हो गई इतना छोटा छोटी सी फीलिंग नहीं होगी कि अच्छा दिन छोटा सा होता है बल्कि उसके लिए दिन की क्या फीलिंग होगी कि एक दिन वाओ अभी शुरू होगा और कब जाकर ये एक दिन जो है वो खत्म होगा तो बेसिकली चीजों पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी चीज जो है किस तरह उसका लाइफ स्पेन कैसा है वो खुद कितनी है तो उसके लिए वो व्यू जो है वो बेसिकली बड़ा बन जाता है और टाइम का टाइम की अंडरस्टैंडिंग जो उसके लिए बड़ी बन जाती है तो यहाँ पर भी इसी तरह से है कि टाइम डिफरेंस है और अल्लाह सुबहान का वादा सच्चा है कि नाफरमानों की पकड़ होगी लेकिन अगर हमें हाँ लगता है कि हो क्यों नहीं रही तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये हमारे हजार साल और अल्लाह का एक दिन होता है और फिर अल्लाह क्या फरमाने सब और बहुत सी मिनकर बस्तियां हैं बहुत सी बस्तियां हैं अमलई तुल्हा कि मैंने उनको क्या दी ढील दे दी ढील कब दी वही मतुन हालांकि वो नाफरमान थी यानी इसके बावजूद के वो नहीं कर रही थी कुफर कर रही थी जुल्म में मुलिस थी शिर कर रही थी इसके बावजूद अल्लाह सुबहाना तला ने क्या किया उनको ढील दी लेकिन फाइनली क्या है फिर मैंने उनको पकड़ लिया वह अलमसीर और मेरी तरफ लौट कर आना है यानी जो बात बार बार, बार बताई जा रही है वो क्या है कि ये जो बीच का टाइम होता है ना ये इंसान को धोखे में ना डाले मोमिन को भी ना धोखे में डाले और जो नाफरमानी में मुल्वस है उसको भी ना धोखे में डाले मोमिन इस धोखे में ना आए कि मेरा तो ईमान है कि अल्लाह सुबहाना तला कुफर करने वालों की पकड़ करता है नाफरमानों की पकड़ करता है तो हो नहीं रही इस मामले में वो अपने ईमान के मामले में जो है वो शेकी वेकी ना हो और दूसरा क्या है कि काफिर भी जो है जो नाफरमान है वो भी ना धोखे में में आए कि अच्छा मैं तो जो है डंके की चोट पे जो नाफरमानी करता हूँ तो मेरी तो पकड़ नहीं होती मेरे पास तो दुनिया बहुत है मेरी तो हर काम बड़े सीधे सीधे रहते हैं है क्या ये जुल्म के बावजूद नाफरमानी के बावजूद अल्लाह सुबहाना तला ढील देते हैं और फिर फाइनली क्या है कि पकड़ जो है वो लाजिम है और जब पकड़ होगी तो रास्ता एक ही है वह एल मसीर पकड़ होने के बाद जो है ना इंसान भाग नहीं सकता फरार नहीं हासिल कर सकता अल्लाह सुहाना तला से बचकर कहीं और नहीं जा सकता उसे लौट कर क्या है अल्लाह ही की तरफ जाना है और फिर क्या है कि कह दीजिए, कुल कह दीजिए या अयुनासू ए लोगो इन नमाज सिवाय इसके नहीं के अना मैं लकुम तुम्हारे लिए नदी डर सुनाने वाला मुबीन खुल्लम खुला कि ये सारी बातें बता दी गई पिछले वाक्यात से भी सबक सिखाया जा रहा है और ये कि जो चीजें हो चुकी उनको भी बताया जा रहा है कि किस तरह से पहली कौमों ने किया किस तरह से उनकी पकड़ हुई तो यहाँ पर आप से कहा जा रहा है कि इन मुश्किन मक्का से कह दीजिए कि मैं क्या हूं मैं तो सिर्फ डर सुनाने वाला हूँ यानी ये मेरा काम नहीं है कि तुम लोगों की मैं पकड़ करूं और ये कि तुम पर अजाब को लेकर आऊं तुम्हें सजा दू ये मेरा काम नहीं है या ये डिसाइड करूं कि अच्छा अभी अजाब नहीं होगा अभी पकड़ नहीं होगी इतनी देर में होनी चाहिए इतनी देर में नहीं होनी चाहिए ये क्या है मेरा काम नहीं है बल्कि क्या है मैं कौन हूँ नदीरो मुबीन मैं तो जस्ट तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ जस्ट तुम्हें आगाह करने के लिए आया हूँ बताने के लिए आया हूँ कि नाफरमानी के बावजूद भी अगर तुम्हें यहाँ पर दुनिया में रहने का मौका मिल रहा है तो ये अल्लाह की मोहलत है ये उसकी तरफ से दी गई ढील है तो इंसान इसमें जो है ना और ना अकड़ जाए कि मेरी पकड़ नहीं होती बल्कि क्या है कि झुक जाए और आज सी अख्तियार करे यानी क्या है नदीर मुबीन मैं तो सिर्फ क्या हूँ खुलम खुला डराने वाला हूँ अब है क्या कि जब रसूल आते हैं और पैगाम दे देते हैं खुलम खुला सारी बातें बता दी जाती हैं तो फिर क्या है फल ना बस जो लोग ईमान लाए व विलू और अमल किए असलिहात नेक लहुम उन के लिए मकफिरतन बख्शिश है, और रोजी है, करीम रसूल जो है अपना काम कर दिया पैगाम पहुंचा दिया आगाह कर दिया और वार्न भी कर दिया, तो अब क्या है कि कुछ लोग तो जो है, उनकी उन नसीहतों को ले लेंगे ईमान ले आएंगे और अमले सवाले कर जाएंगे तो ऐसे लोगों के लिए क्या है बख्शिश भी है और इज्जत वाली रोजी भी है बख्शिश किस तरह से कि ईमान लाने और नेक अमल करने के बावजूद भी बहुत बार इंसान इंसान से क्या होता है कमी रह जाती है कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है तो लेकिन इंसान अगर ईमान के साथ अपनी पूरी पूरी कोशिश डाल रहा है हर सूरत कोशिश करता है कि वो कहीं पर भी अल्लाह साली की नाफरमानी ना करे जैसा उसने बताया है, वैसा ही कर जाए तो ऐसे में क्या है जो भी कमी कोताही कुछ रह गया कुछ भूल हो गई कुछ खता हो गई तो ऐसे में क्या है लाहौल मगफीत अल्लाह सुबहाना तला उनकी कोताही को उनकी कमियों को उनकी लफ्जिशों को माफ कर देगा शर्त क्या है कि सिंसेरिटी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ उसने पूरी पूरी कोशिश की कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे ऐसे में क्या है अल्लाह सुबहाना तफ़रत और बख्शिश है और इसके साथ साथ क्या है करीम करीम में जो है ना दो बातें आ जाती हैं सब उनको रिस्क देंगे जो कि करीम होगा करीम के बाइज्जत और इसके साथ साथ क्या है बहुत ज्यादा बहुत वाफिर मकदार में और बहुत ही जिसे कह लें कि खूबसूरत क्वालिटी का बहुत ही जबरदस्त और ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी चीज हो आप चाह रहे होते हैं कि वो क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो और वो ज्यादा भी हो ये दोनों चीजें हमें पसंद होती हैं कि क्वालिटी भी हो और वो ज्यादा भी हो और इसके साथ साथ जो चीज हमें मिल रही है ना वो अच्छे बाइज्जत तरीके से मिले यानी हमें ये बात अच्छी नहीं लगती क्या होता है कि हम किसी के घर जाए वो हमारे सामने बहुत अच्छा जबरदस्त खाना रखे और बहुत ज्यादा मकदार में हो लेकिन हमें इज्जत ना दे तो हमें वो खाने की फ्रावानी और खाने की क्वालिटी जो है ना वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी हमें मजा नहीं आएगा हम कहेंगे कि ये ये क्या यानी इज्जत नहीं दी और बाकी सारी चीजें दे दी तो ये सारी चीज़ें जो है ना अल्लाह तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इंसान के लिए चूंकि अहम है तो अल्लाह सुबहाना भी उसके बदले में जो वो करेगा ईमान लाएगा और हमले सौले करेगा तो उसका बदला उसको किस सूरत में दिया जाएगा रिजकुल करीम की सूरत में इज्जत के साथ वाफिर मकदार में और बेहतरीन क्वालिटी का और ये कहाँ पर होगा दुनिया में भी और आफरत में भी और फिर अल्लाह फरमा रहे हैं इसके बरक्स दूसरे लोग के हैं वल जिन लोगों ने कोशिश की फी आयातना हमारी आयतों में मुआजी आजिज करने के लिए हराने के लिए उला है जहीन, जन्नत के, आ, के रहने वाले तो क्या है कि एक तरफ तो ईमान वाले हैं और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो कि आयात को सुनते हैं और क्या करते हैं कि उनको रिजेक्ट करते हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए उनको झुटलाने के लिए सऊ पूरी पूरी अपनी कोशिश डालते हैं पूरा अपना आप डाल देते हैं कि किसी तरह हम अल्लाह सुबहाना तला की बातों को उसकी आयात को उसके अहकाम को हम किसी तरह गलत साबित कर दें किसी तरह हम झुटला दें कि ये बातें दुरुस्त नहीं है और ये चीज हम देखते हैं कि किस तरह से ये कोशिशें जो है ना हर दौर में होती रही मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए कि किस तरह से अल्लाह सब्ल की आयात को जो है वो जुटलाया जाए यानी क्या होता है कि अल्लाह सुबहल तला के अहकाम को लिया जाता है कि अच्छा ये है ऐसे कहा गया तो इसमें ये प्रॉब्लम है इसमें ये प्रॉब्लम है तो बेसिकली इस तरह से अल्लाह सुबह तयात के मुकाबले में आना और कोशिश करना कि इनको झूठा साबित करना इनको हराने की कोशिश करना ये हर दौर में चलती रहती है लेकिन ऐसे लोगों का अनजाम क्या है असहाबुलजहीन जहनम में जाने वाले हैं और फिर क्या है कि वा मा अरसलना और नहीं भेजा हमने मिन कब लिखा आपसे पहले मिर रसूल कोई रसूल वाला नबी इन और ना कोई नबी इल्ला मगर इदा जब तमन्ना उसने आरजू की अब यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं कि यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि अल्लाह सुबह ने कोई पैगम्बर भेजा हो कोई भी रसूल भेजा हो और उसने जब कोई आरजू की हो उसने जब कोई आरजू की हो तो हुआ क्या हो यानी उस रसूल ने या उस नबी ने आरजू की और हुआ क्या अलका डाला शैतान ने फी में ही। उसकी आरजू में यानी जो नबी और रसूल ने आरजू की उस आरजू में शैतान ने अपना वसवसा लाजिम डाल दिया यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि रसूल ने कुछ आर्जू की हो और शैतान ने उसमें अपना वसवसा ना डाला हो यानी हमेशा क्या होता है कि रसूल जब भी आते हैं जब भी वो कोई काम करते हैं तो ऐसे नहीं होता कि शैतान बिल्कुल साइड हो जाए क्योंकि रसूल जो है वो चूंकि रसूल है और शैतान उनके रास्ते में ना आए नहीं शैतान जो है ना ये डेफिनेटली रुकावट बनता है और शैतान तो जिसे कह लें कि बहुत बड़ा दुश्मन होता है रसूल का भी दुश्मन होता है और उसके काम का भी बहुत बड़ा दुश्मन होता है क्योंकि रसूल का तो काम ही यही होता है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना नेकी की तरफ बुलाना तो ये बात तो शैतान के लिए यानी इंतहाई जैसे कह लें कि वो बन जाती है उसको गुस्सा दिलाने वाली तो वो पूरी पूरी दुश्मनी निभाता है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई रसूल और नबी ऐसा आया हो और उसने आरजू की हो आरजू क्या की हो यानी रसूल और नबी की जू सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू क्या होती है कि सारे लोग जो है वो अल्लाह को मान लें उस पर ईमान ले आए नेक बन जाए उसके अहकाम को मान लें तो जब भी रसूल जो है अपनी इस आरजू को यानी पूरा करने के लिए काम करते हैं तो शैतान जो है वो वसवसे डालता है शैतान किस तरह से वसवसे डालता है यानी क्या होता है कि शैतान दोनों तरह से वसवसे से डालता है कि रसूल के लिए भी वसवसे डालता है और लोगों के दिल में भी यानी जैसे ही रसूल जो है लोगों को अल्लाह ताला के अहकाम बताते हैं तो शैतान जो है ना वो फौरन अलर्ट हो जाता है और लोगों के दिलों में क्या है कि वसव डालना शुरू कर देता है और फिर क्या होता है कि लोगों के दिल में जब वो वसव डालता है तो लोग क्या करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से आयात को जो है वो झुटलाने की कोशिश करते हैं और इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करते हैं इसके खिलाफ जो है वो साजिशें करना शुरू कर देते हैं तो मुख्तलिफ हथकंडे जो है अपनाए जाते हैं जब भी रसूल अपने मिशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो शैतान जो है ना बीच में जरूर आता है और क्या करता है वसवसे डालता है और होता क्या है यानी शैतान तो इस तरह से करता है कि बीच में आता है लेकिन बस दूर कर देता है अल्लाह डालता है शैतान अल्लाह सुबहाना क्या करते हैं कि उस वसवसे को जो कि शैतान डालता है उसको दूर कर देते हैं तुम मह की मजबूत कर देता है आयात ही अपनी आयात को अल्लाह सुबहाना तला अपनी आयात को मजबूत कर देता है यानी क्या होता है कि लोग जो है जैसे वसवसे किस तरह से डालते हैं कि अल्लाह सुबह जब पैगम्बर जो है अल्लाह सुबहल तला की आयात की तिलावत करते हैं तो वसवसे किस तरह से शैतान डालते हैं जैसे कि अल्लाह ने क्या फरमाया कि हर रिमत आलही मई कि तुम पर जय मुर्दार जो है वो हराम कर दिया गया तो शैतान फौरन कैसे वसवसा डालता है कि अच्छा यानी ये क्या बात हुई कि भाई यानी हम अगर खुद से जानवर को मार कर खाएं तो वो हराम हो गया और अगर हम अल्लाह का नाम लेकर उसको जिबा करते हैं तो वो हलाल होगा यानी ये क्या बात हुई तो बेसिकली ये क्या चीजें ये शैतान की तरफ से वसवसा आता है कि जब भी अल्लाह सलाना तला के आयात आती है तो शैतान क्या है अपना वसवसा डाल देता है लेकिन उसका वसव जो है ना वो हमेशा के नहीं रहता अल्लाह सुबहाना तला अपनी आयात को जो है वो मजबूत कर देता है और क्या है कि यानी और आयात नाजिल होती हैं और बात को जो है ना यानी बता दिया जाता है बेसिकली शैतान के ये वसव से यानी इस किस्म के ये एतराजात होते हैं ये अपनी जगह ठहर नहीं पाते ये थोड़ी देर के लिए होते हैं उसके बाद क्या है बिल्कुल जिसे कह लें कि झाग की तरह जो है वो बह जाते हैं और इसके अलावा जो है ना की एक और तरह से भी जो है तफसीर की जाती है और क्या है कि यानी यह यह यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कोई रसूल कोई नबी ऐसा नहीं आया आपसे पहले यानी आप की बात हो रही है कि से, से पहले भी कोई रसूल या कोई नबी ऐसा नहीं आया कि जब भी उसने जो है यहाँ पर तमन्ना पहले हमने कैसे पढ़ा कि आरजू की तमन्ना के क्या मीनिंग्स हैं आरजू की ख्वाहिश की तो तमन्ना जो है ना इसका एक और मतलब भी होता है वो होता है तिलावत करना पढ़ना तो अब अगर पढ़ने के मीनिंग्स में लिया जाए इस वर्ड को तो फिर इसकी तफसीर किस तरह से बनती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब भी किसी अः यानी आसलम से पहले किसी रसूल और नबी ने जो है वो अः जो अल्लाह ताला की आयात हैं उनको तिलावत किया हो तो शैतान ने क्या किया हो बीच में अपनी वसवसा डाल दिया हो लेकिन हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने जो कुछ शैतान की तरफ से आया उसको दूर कर दिया और अपनी आयत को क्या है कि मुहकम कर दिया यानी जो अल्लाह ताला का पैगाम है ना उसमें शैतान की आमेजिश नहीं हो सकती शैतान ने अगर कभी कोशिश भी की तो वो अपनी कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाया और ये बात जैसे हमें कुरान के बारे में भी हमें क्या बात पता चलती है कि कुरान के नजूल से पहले क्या था कि आसमानों पर पहरे जो है वो डाल दिए गए उससे पहले क्या था कि शैतान जिन जो है वो ऊपर जाते थे और ऊपर जाकर जो है बातें जो है वो सुन लेते थे यानी अल्लाह सुबहाना जो फरिश्तों को अहकाम देते थे जो कुछ भी होना होता था कि अच्छा ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा तो उसमें से कुछ बातें जो है ना वो उचक लेते थे और अल्लाह सुबहाना जैसे कि हमने इस चीज को पहले भी पढ़ा था हदीस में कि क्या होता है के जिन जो है वो जमीन से आसमान तक जो है ना अः यानी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से होते हैं और क्या होता है कि ऊपर वालों की वो बातें सुनते हैं यानी फरिश्ते जो है ना जब एहकाम को आपस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं ना कि फला शख्स के साथ अब ये होने वाला है फला के साथ ये होगा फला को ये मिलेगा फला के साथ ये होगा तो उसमें से जिन क्या करते हैं उन बातों को मुस्तबिल की बातों को जो कि आइंदा होनी है उनको वो उचक लेते हैं और अल्लाह अल्लाबहाना ताला ने वहां पर फरिश्ते बिठा रखे हैं तो फरिश्ते क्या करते हैं कि जैसे ही वो जिन उचकता है तो उसको वो शोला फेंकते हैं और जिन जो है ना वहीं पर वो भस्म हो जाता है यानी वो बात जो उचकी होती है क्या होता है कि जैसे वो उचकता है तो फरिश्ते उसको शोला मारते हैं और वो मर जाता है इस तरह बात जो है वो बाकी जिनों तक नहीं पहुंच पाती लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो जिन बात उचकता है और उचक कर जो है अपने से नीचे वाले जिन को बताने में कामयाब हो जाता है और यानी शोला उस पर आएगा अभी बाद में आएगा लेकिन उसने अपने से नीचे वाले जिन को वो वाली सुनी हुई बात जो है पहुंचा दी उससे नीचे वाला जिन जो है ना उससे नीचे वाले को यानी चलते 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 भी वो बात जो है जमीन तक आ पहुंचती है और जब जमीन तक पहुंचती है तो जमीन वाला जिन जो है ना जमीन में जो शैतान के कारिंदे होते हैं जो किह काहिन, काहिन होते हैं नजूमी होते हैं मुस्तबिल की पेश गोई करने वाले होते हैं ये सब शैतान के जो है चेले होते हैं कारिंदे होते हैं तो ये शैतान जिन जो है ये उचकी हुई बात जो है वहां उनके कानों में डाल देते हैं उनको जाकर बता देते हैं और फिर उस नजूमी के पास जब कोई आता है तो वो जो आता है उसको वो सौ बातें बताता है सौ में से नाइंटी नाइन जो है वो झूठी होती हैं और क्या होता है कि समटाइम्स वो जो एक बात नजूमी की बताई हुई सच्ची निकल आती है तो वो क्या होता है वो वो वाली होती है जो कि जिन ने उचकी हुई होती है लेकिन हम इंसानों का हाल क्या होता है कि नजूमी की जो नाइन्टी नाइन बातें झूठी होती हैं उनको साइड पे रखकर उसकी एक बात जो सही निकल आती है उसको लेकर जो है ना हम यानी हमारा ईमान खराब हो जाता है और हम कहते हैं कि हाँ दिक्को वो फला ने ये बात की थी और ये ऐसी ही हो गई तो बेसिकली वो क्या है वो शैतान की उचकी हुई बात होती है और ऐसा क्यों होता है यानी अल्लाह सुबहाना है बात को क्यों उचकने देते हैं तो ये क्या होता है टेस्ट होता है ये आजमाइश होती है आजमाइश के लिए हम इंसानों की आजमाइश के लिए अल्लाह सुबहाना तला उस बात को उचकने देते हैं अदरवाइज क्या है कि वो जिन शैतान इस बात में कामयाब ना हो सकें कि वहां से वो ऊपर की बातों को वहां से उचक सकें लेकिन अल्लाह सुबहाना उनको लेट करते हैं उनको उचकने देते हैं जिस बात को अल्लाह सुबहाना तला चाहते हैं कि ये जिन ले जाए इस बात को तो वो लेने में कामयाब हो जाता है तो क्या है कि उसमें हमारी आजमाइश रख दी गई कि हम अपने ईमान में कितने मजबूत हैं हम जो है वो नजूमी की बातों में आते हैं अपना ईमान खराब करते हैं क्योंकि हमारा ईमान क्या है मुस्तकबिल और गैब की बातें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहाना हैं। गैब का इलम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहाना ताल के पास है यानी एक तो चीज़ है ना कि आप कुछ चीज़ों को थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं कुछ फ्यूचर की चीजें होती हैं जो कि आप थ्रू सम जिसे कह लें कि कोई जरिया होता है जिसके जरिए से आप उनको देख लेते हैं वो गैब में नहीं आती वो गैब वो होता है कि बगैर किसी सबब के आपको पता चल गया का एल्म क्या है सिर्फ अल्लाह के पास है यानी इसी तरह से ना जैसे वेदर की है उसमें भी क्या होता है अब ये जो मुस्तबिल की पेशेंट पेश होती है तो ये क्या होता है जो इस उसमें काम कर रहे होते हैं वो सारा देख रहे होते हैं यानी बेसिकली हवाओं को क्लाउड्स को एवरीथिंग को वो देखकर एक ऑब्जर्व करते हैं और सारी चीजों को बेस्ड ऑन नॉलेज वो देखते हैं कि अच्छा ये ये चीजें इस इस तरह से हों तो चांसेस है कि ये हो जाएगा तो बेसिकली नॉलेज बेस्ड बातें होती हैं या समटाइम्स कुछ मशीन्स कुछ टूल्स होते हैं जिनके जरिए से हम फ्यूचर की बात को जो है वो जान सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है माँ के पेट में बच्चा है मेल है या फीमेल है अब ये गैब की बात है लेकिन गैब की बात कब तक है जब तक कि हम कोई टूल यूज नहीं करते जैसे ही हम कोई मीन्स यूज करेंगे कोई टूल यूज करेंगे टू सी उसके बाद वो गैब की बात नहीं रहेगी क्योंकि हमने उसको किसी जरिए के जरिए से मालूम किया है तो बेसिकली क्या है कि हमारा ईमान क्या है कि गैब का इल्म जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहाना तला को है तो जब हम उस गैब की बात के लिए नजूमी पर ईमान ले आते हैं तो बेसिकली क्या है हम अपने ईमान को खराब कर लेते हैं तो असल बात क्या थी जो हमारा बेसिकली थोड़ा सा हम ऑफ ट्रैक चले गए कि जब कुरान को भी नाजिल होना था तो तब क्या था कि आसमान पर जो है ना बहुत सख्त पहरे बिठा दिए गए बहुत सख्त पहरे बिठा दिए गए कि शैतान कतन भी जो है ना ऊपर नहीं जा सकते थे और बिल्कुल भी कुछ भी यानी जो है ना वहां की बात जो है वो नहीं ले सकते थे बहुत सख्त पहरे बिठा दिए गए ताकि जो है वही का जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल प्योर रह सके शैतान जो है ना इसको बिल्कुल भी इंटरप्ट ना कर सके और इसमें जो है के जैसे कि एक वाक्य भी आता है जो कि यानी बेसिकली एक चीज हमें पता चलती है और उसमें हमें बहुत क्लियर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि इस, इस आयत में जो है ना एक पीछे हमें वाक्य पता चलता है कि सूर्य नजम जो है ना असलम ने तिलावत फरमाई और अभी जो है मक्का में थे और हिजरत नहीं की थी तब की बात है कि सूर्य नजम जो है आ, सब लोग वहां पर मौजूद थे मुशर्क भी मौजूद थे मुसलमान भी मौजूद थे और आसम ने ये पूरी सूरत जो है वो तिलावत फरमाई और हुआ क्या कि पूरी तिलावत जो है पूरी सूर नजम जो उसकी तिलावत फरमाई और आखिर में क्या हुआ कि सजद तिलावत आती है तो जो है आसम ने भी सजदा किया मुसलमानों ने भी सजदा किया और मुशर्क ने भी सजदा किया हालांकि कुरान जो है वो यानी आप पढ़ रहे थे लेकिन मुशर्क ने भी सजदा किया और क्या है कि अब उसके बारे में ये कहा जाता है कि यानी उसके आपको जो नजर आएगा कि जो सही वर्जन है जो कि सही बुखारी में है उसमें क्या बात पता चलती है कि इब्ने अब्बास रजिया क्या फरमाते हैं कि सल्लम ने जो है वो यानी पूरी सूरत जो है तिलावत फरमाई और सब ने जो है वो मुसलमानों ने मुशरिकों ने इवन के जिन्नात ने भी जो है वो सजदा किया और सिवाय एक शख्स के और उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है किसी में आपको नजर आएगा कि वलीद बिन मुग़ी जो है आ, जो कि मुश्किल था या उमैया बिन खलफ है ना उसने सजदा नहीं किया जितने भी मुश्किन मौजूद थे सब ने सजदा किया और इन्होंने क्या किया वलीद बिन मुगैरा या उमिया बिन खलफ जो है ना उसने सिर्फ नीचे से मट्टी उठाई अपने हाथ से और अपने माथे पे लगा कर कहने लगा कि ये मेरे लिए यही काफी है और उसकी वजह क्या बताई जाती है कि क्यों ऐसा हुआ यानी कुरान की जो रिसाइटेशन जो है ना बेसिकली ये सूरा है भी बहुत ही खूबसूरत और बड़ी पावरफुल किस्म की है तो इसकी रिसाइटेशन इतनी खूबसूरत थी इतनी तासीर थी कि जिसको सुनकर जो है वो कोई भी रिजिस्ट नहीं कर पाया और मुशरिक भी जो है वो सजदे में चले गए यानी वो रिजिस्ट नहीं कर पाए और सारे के सारे जो है वो सुनकर जो है वो सजदे में चले गए यानी ये तो जो है हदीस है सही बुखारी की और जो कि सबसे मोस्ट अथेंटिक बात है और इसके अलावा जो है आपको एक और चीज भी यानी आपने सुनी होगी जो कि स्टेनिक वर्सेस के नाम से थोड़ी मशहूर हुई थी और उसी पे बेस्ड ऑन जो है वो एक किताब भी लिखी गई थी सलमान रुश्ती ने लिखी थी स्टेनिक वर्सेस पे तो वो भी क्या है उसकी भी बेस्ड जो है ना वो यही हदीस है लेकिन ये इसी का वर्जन जिसे कह लें और उसमें है यानी ऑथेंटिक सोर्सेज में नहीं है बेसिकली जिसे कह लें कि एक ही, जिसे कह लें कि बहुत ही कमजोर और यहाँ तक मन घड़त सी जिसे कह लें कि चीजें हैं जिनके बेस्ड ऑन जो है वो सारा कुछ जो है वो किया गया और उसमें क्या है कि यानी अभी जो मैंने आपको बताया सही बुखारी का वर्जन क्या है किसलम ने सूर्य नजम को पढ़ा और सब लोगों ने जो है वो सजदा किया मुशर्क ने भी मुसलमानों के साथ ही जो है वो सजदा किया यानी ये क्या है मोस्ट अथेंटिक बात है अब इसके अलावा जो कुछ घड़ी हुई बातें हैं जो कि अथेंटिक नहीं है कोई उनका वैलिड जिसे कह लें कि सोर्स नहीं है रिलायबल सोर्सेस में वो नहीं पाई जाती वो कहाँ पर हैं उनमें हमें क्या नजर आता है कि आप ने जो है वो सूरह नजम को पढ़ा और क्या हुआ कि आप पढ़ रहे थे और बीच में क्या हुआ कि शैतान बोल उठा यानी आसलम जो है सूरह नजम की तिलावत फरमा रहे थे और हुआ क्या कि शैतान जो है वो बीच में बोला और उसने जो है बेसिकली उसमें एक आयत आती है उनके बुतों के मुतालिक अफरा वल मनाता यानी उनके जो बुत है ना उनकी बेसिकली बात हो रही थी कि क्या तुमने देखा लात और उज्जा को और मनात को यानी ये कुरान यानी नजम नजम की की सूरत है आ, नजम की आया है और उसमें जो है आ, उनके बुतों की बात हो रही थी तो यहाँ पर इस आयत के बाद जो है यानी जो आ, जो घड़ी हुई बातें हैं ना उसमें ये बात डाली गई कि अच्छा जब आप ये सूर्य नजम जो है वो तिलावत फरमा रहे थे तो उसमें शैतान ने भी आपकी आवाज में आवाज मिलाकर जो है ना बुतों की कुछ तारीफ कर दी बुतों की तारीफ में एक आयत जो है ना वो डाल दी और वो आयत क्या थी कि ये क्या है तिलकल ये तो जो है ना ये जो अः बुत है ये क्या है ये लात और उज्जा और मनात क्या है ये बहुत ही बुलंद मरतबा देवियां हैं और क्या है कि अल्लाह के यहाँ अल्ला इनकी सिफारिश इनकी शिफात जो है ना वो कबूल होती है और जब ने मक्का ने सुना यानी आसलम तो सुरह नजम की तिलावत फरमा रहे थे और उसमें उनके बुतों का भी जिक्र आया और उनका बुतों का जिक्र किस उसमें था कि ये जो है ना ये सिर्फ नाम है और ये इनकी कोई हकीकत नहीं है और ये अल्लाह ताला के यहाँ कोई सिफारशी नहीं है एक जरा होल्ड कीजिएगा जी सॉरी कॉल जब डिस्कनेक्ट हो गई थी जी तो क्या है कि यानी क्या बताया जा रहा है कि असलम जो है वो सूर्य नजम की तिलावत फरमा रहे थे और उनमें जो है उनके बुतों के मुतल आयत थी कि ये लात और मनात हैं और ये सिर्फ नाम है और इनकी अल्लाह ताला के यहाँ कोई वक्त नहीं है और इनकी कोई सिफारिश भी नहीं है तो शैतान जो है उसने बीच में इंटरक्शन की और उसके बाद उसने क्या कहा कौन सी आयत यानी बीच में डाल दी इंटरप्ट करके के तिलकल गौरा नेपुल उला. के ये तो जो है ना बुलंद मर्तबा देवियां हैं और इनकी शफात क्या है लतुरजा के ये तो यानी तो है कि इनकी शिफात क्या है कबूल होती है तो, तो बेसिकली क्या है कि जब मुशर्कन ने ये बातें सुनी कि अच्छा आसलम जो है सूर्य नजम तिलावत फरमा रहे हैं और उन्होंने जो है हमारे बुतों की भी तारीफ कर दी तो अपने बुतों की तारीफ सुन के क्या हुआ कि सारे के सारे मुशर्कन जो है ना उनको लगा कि अच्छा आसलम ने इसका मतलब है कि हमारे साथ कॉम्प्रोम हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और अब ये कि हमारा हम और इनकी आपस में अब कोई नहीं है क्योंकि असल में उनका मसला क्या था मुशीन का मसला ये नहीं था कि वो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे उनको अल्लाह ताला को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं था वो ऑलरेडी अल्लाह ताला को मानते थे प्रॉब्लम उनका ये था कि अल्लाह के साथ उनके बुतों को भी माना जाए तो जब उन्होंने यानी सूरह नजम तिलावत फरमा रहे थे और उसके बीच में शैतान ने अपनी ये बात डाल दी जिसको कि मुश्किन मक्का ने सुना तो उनको सुनकर ये बात बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि हम तो बहुत खुश हो गए और हम जो है और इसके बाद जब सूर्य नजम खत्म हुई तो उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों के साथ ही सजदा कर दिया कि अब हम भी इनके साथ हैं कि हमारी जो आपस में जो इख्तलाफ वाली बात थी वो तो क्या थी कि खत्म हो गई तो बहरहाल अब वो जो एक मन घड़त जो यानी वर्जन है इस बात का वो क्या है कि वो क्या कहा जाता है कि अच्छा तिलावत फरमा रहे थे और जब शैतान ने ये बात की तो इसको सिर्फ और सिर्फ मुश्किन ने सुना सिर्फ और सिर्फ मुशी ने सुना मुसलमानों ने शैतान की उस बात को नहीं सुना और ना ही आसलम ने सुना तो आखिर में क्या हुआ चूंकि मुशर्किन ने शैतानों की बात सुनी थी कि अच्छा ये बुत जो है बड़ी जबरदस्त देवियां हैं और इनकी शफात जो कबूल होती है तो वो तो ये बात सुनकर बहुत खुश हुए हुए थे तो उन्होंने क्या किया कि आखिर में सजदा कर दिया तो और बाद में यानी मुसलमानों को लगा कि अच्छा यानी इस सूरत की वजह से जो है इन मुशर्किन ने जो है वो सजदा किया है तो बेसिकली यानी जो बताने का मकसद है वो ये है कि इस तरह की ये जो बातें आपको नजर आएंगी कि नाउज बिल्ला शैतान ने इस तरह से इंटरप्शन की कि आशा पर वही यानी नाजिल हुई सूर नजम की सूरत में और आसम उस सूरत को पढ़ रहे हैं और शैतान ने बीच में इंटरप्शन दे के जो है ना बीच में एक आयत ऐड कर दी तो ये बात क्या है इंतहाई गलत है ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि हमें जो बात पता चलती है वो क्या है कि जब कुरान नाजिल किया गया तो खूब पहरों में नाजिल किया गया और इसके साथ साथ क्या है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली इसमें कतन भी जो है यानी कोई भी शैतान अपनी जरा सी भी आमेजिश नहीं कर सका पूरी हिफाजत और जो है प्रोटेक्शन में जो है कुरान जो है वो नाजिल किया गया तो ये बात यानी बहुत दूर की लगती है कि अच्छा शैतान ने इस तरह से जो है वो इंट्रक्शन दियो तो क्या है और ये चीज है कि जब नॉन मुस्लिम्स अब चूंकि ये जो मनघड़त सी जो बात है ये भी आपको यानी जो इस्लामिक सोर्सेज हैं दर सी बात है आप हर इस्लामिक सोर्सेज को ये नहीं कहेंगे कि इसमें हर चीज बड़ी रिलायबल है और हंड्रेड परसेंट ट्रू है तो आप ऑथेंटिसिटी को देखेंगे कि, कि कौन सी चीज जो है वो रिलायबल और ऑथेंटिक है लेकिन नॉन मुस्लिम नहीं भी हैं उनमें से वो चीज़ों को पकड़ के बेस बनाकर जो है प्रोपेगेंडा करते हैं यानी फिर उसी चीज को जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट यूज करते हैं जैसे कि यही चीज जो कि मैंने आपको बताया है कि ये टोटली यानी इसका बिल्कुल भी जो है वो ओथेंटिक नहीं है ये वर्जन तो उसी को बेस बनाकर जो है वो स्टेनिक वर्सेस की बुक जो है वो लिखी गई और ये सारा सिलसिला के जी अच्छा देखें अगर वहां पर जो है अगर कुरान इस तरह से अल्लाह ताला की किताब है तो किस तरह से शैतान ने जो है वो अपनी बात बीच में डाल दी इसका मतलब है कि कुरान तो रिलायबल नहीं है और बहुत सारी इस तरह की दूसरी बातें तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि हमें इन सारी चीजों का पता होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए कि असल बात क्या थी और ये भी पता होना चाहिए कि अथेंटिक बात क्या है अथेंटिक बात क्या है कि आसम ने सुर नजम की तिलावत की और ये कि तिलावत को मुशर्कन ने भी सुना मुसलमानों ने भी सुना और जब तिलावत खत्म हुई मुशीन ने भी सजदा किया मुसलमानों ने भी सजदा किया दैट्स इट ये इसका रियल वर्जन है जो कि अथेंटिक है और सही बुखारी में है जबकि दूसरी वो जो चीज जिसको लेकर नॉन मुस्लिम भी बहुत ज्यादा उसको वो करते हैं कि अच्छा ये देखें ये इनके अपनी किताबों में इस तरह की बातें हैं तो वो अपनी किताबों में बेसिकली है क्या वो मन घड़त है और ये चीज भी यानी पता चलती है कि ये जो रिवायात इस किस्म की ये जो मन घड़त है यानी इनकी कोई भी आ, जो रि यानी असनाद जो है ना वो सारी की सारी आ, सही नहीं है और जो इवन के जो छः किताबें हैं अहादीस की उनमें भी ये बात जो है ना वो नहीं लिखी गई यानी सही बुखारी के अलावा जो है बाकी और जो बुक्स हैं अहादीस की सहाय सत्ता हैं छः किताबें हैं उनमें भी ये वाली जो रिवायत है ना कि शैतान ने बीच में इंटरप्शन की ये उनमें भी नहीं है और दूसरी बात ये भी है एक और बड़ा वैलिड सा पॉइंट हमें नज़र आता है कि जो सुरह नजम है उसमें शुरू में भी बुतों के अगेंस्ट बातें हो रही हैं और जहां पर वो शैतान ने अपनी बात डाली उसके बाद भी बुतों के अगेंस्ट बात हो रही है तो ये पॉसिबल नहीं है कि अच्छा आगे पीछे तो आप बुतों की बुराइयां करें और बीच में बुतों की तारीफ कर दें तो यहां से भी यानी इस बात के गलत होने का बहुत वाजे तौर पर जो है वो पता चल जाता है तो बेसिकली क्या है कि ये बातें हमें बहुत अः क्लियरली अंडरस्टैंड होनी चाहिए पता होनी चाहिए ताकि कल कई कोई हमारे सामने बात करे कि अच्छा ये देखें ये इस्लामिक बुक्स में ही आपको ये ये इस तरह से बात नजर आती है तो इसका क्या है तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये ऑथेंटिक है ये सही है और ये क्या है फेब्रिकेटेड है और जो है यहाँ पर इसायत में भी फिर यही कहा जा रहा है कि किस तरह से यानी जब भी कोई रसूल या नबी जो है वो अः यानी तिलावत करता है तो शैतान क्या करता है अपना वसवसा डाल देता है लेकिन अल्लाह ताला क्या करते हैं कि जो कुछ भी शैतान डालता है उसकी हर चाल को उसकी हर हरबे को अला सुबह नाकाम कर देते हैं और अपनी आयतों को अल्लाह सुबहाना मजबूत कर देते हैं क्योंकि बेसिकली कुछ लोग जो है इस आयत की तफसीर में भी वो वाला कोड करते हैं कि इस तरह से शैतान ने जो है वो नाउज बिल्ला इंटरप्शन दी और यानी सूर्य नजम में जो है वो बुतों की तारीफ में जो है वो आयत डाल दी थी जो कि नाउज बिल्लासम को जो है वो पता नहीं चल सका तो ऐसी बात नहीं है और यानी क्या है कि अल्लाह ताला जो है शैतान जो भी कोशिश करता है अल्लाह ताला उसकी हर कोशिश को जो है वो नाकाम कर देते हैं और ये बात यानी प्रूफ के साथ है अल्लाह किस तरह से ये किताब हमारे सामने है जैसी एज इट इज थी वैसी की वैसी है और कोई भी इसमें कतन भी कोई चेंज नहीं कर पाया लोगों ने ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने कोशिशें नहीं की लोगों ने बहुत कोशिश की कि इस किताब को किसी तरह से जो है वो इसमें आमेज़िश कर दी जाए लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका इवन के यानी या, यानी सुबह किस तरह से अल्लाह तला ने जो है इस किताब की हिफाजत की हफाज बना दिए किस तरह से लोगों के सीनों में जो है ना बिल्कुल एज इट इज इसको महफूज कर दिया यानी चार लोग खड़े हों और उनमें कोई जैसे क्या होता है कि कोई जरा सी भी गलती करे तो दूसरा फौरन पकड़ लेता है कि यहाँ पे ये ऐसे नहीं ये ऐसे है तो अल्लाह यानी किसी भी तरीके से जो है कहीं पर भी कोई जो है इसमें नहीं मुमकिन लेकिन है क्या जला ताकि बनाए मा जो डालता है अशैतान शैतान फित नतन एक आजमाइश लजीना उन लोगों के लिए जो फी खु जिनके दुलों में क्या है मारा मर्ज है बीमारी है वलखा और सख्त है खुलूब दिल उनके व इन्ना और बेशक अजिम लफी शिका किन अलबत् मुखालत में है ये ऐसा क्यों है इस तरह के शैतान वसवस्से और फितने इस तरह के हरबे जो है वो इस्तेमाल करता है और समाइम अल्लाह सोलह तला यानी इस तरह की बातें होने देते हैं जैसे आप ये देखें के होने क्या दिया कि वो एक हमारे पास अथेंटिक वर्जन भी है कि असल हकीकत क्या थी असल बात क्या थी और इसके साथ साथ फैब्रिकेटेड चीजें भी हैं अब ये भी हो सकता था कि ये फैब्रिकेटेड चीजें ना होती अल्लाह ताला किसी को फैब्रिकेट ना करने देते मन बातें ना बनाने देते या ये मन बातें भी आज तक हमारे पास ना पहुंचती तो क्या है कि अल्लाह सुबहाना तला इन चीजों को होने देते हैं इन चीजों को होने देते हैं क्यों लिया ताकि बना दे ये जो कुछ भी शैतान की चीजें होती हैं इनको क्या बना दे फितन एक आजमाइश ये हम इंसानों के लिए ना एक आजमाइ के तौर पर इस तरह की चीजें आती हैं कि जब हम इन चीजों को देखेंगे तो फिर उसके बाद हमारा ईमान कहाँ पर होगा हम अपने ईमान पर कितनी मजबूती से जो है वो कायम रह सकेंगे और यकीन करें कि जब ये सटेनिक वर्सेस आप इस तरह की बातें सुनते हैं और कोई आपके सामने कोर्ट करे कि अच्छा ये देखें ये आपकी ही सारा लिटरेचर है इस्लामिक बुक्स हैं जिनमें ये वाक्य इस तरह से लिखा हुआ है क्या सुर नजम पढ़ रहे थे और शैतान इस तरह से इंटरप्ट हुआ और उसने इस तरह से आए डाल दी तो एक अच्छा खासा मुसलमान जो है ना वो डामाडोल हो जाएगा क्योंकि बात कहाँ से होगी कि तो हमारी ही किताबों में है ये तो हमारी ही किताबों में है तो बेसिकली क्या है कि ये सारी चीजें रख दी जाती हैं एक आजमाइ के तौर पर इंसान जो है और ये आजमाइश उन लोगों के लिए बहुत बन जाती है जिनके दिलों में बीमारी होती है बीमारी किस चीज़ की होती है निफाक की बीमारी होती है मुनाफ्त की बीमारी होती है अपने ईमान में क्या है मजबूत नहीं होते और इसके अलावा क्या है कि दिल उनके क्या है सख्त होते हैं यानी काफिरों के लिए और ऐसे मुसलमान के जिनके यानी क्या है कि ईमान जो है ना बड़े कमजोर हैं या फिर ये के मुनाफिक हैं तो उनके लिए बातें जो है बहुत बड़ी फितने के तौर पर आ जाती हैं बहुत बड़ी क्या है आजमाइश बन जाती है और फिर क्या है कि जो जालिमीन है वो क्या है बहुत दूर की मुखालफत में है। जालिमीन कौन है यानी ये सारी बातें जानने के बावजूद भी के सही बात हमारे पास अथेंटिक सोर्सेज में मौजूद हो फिर भी इंसान क्या है कि जो दूसरी बातें हैं ना उनको लेके जो है वो उसका ईमान डोल होता रहे या फिर ये भी जॉलीमीन में शामिल है कि यानी बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं एक चीज के आपको बहुत नाइनटी नाइन पॉजिटिव पहलू नजर आ रहे हैं और एक आपको नेगेटिव डाउटफुल नजर आ रहा है यानी एक जो नेगेटिव है ना वो यानी एक्यूरेट भी नहीं है लग है भी डाउटफुल है कि पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं लेकिन फिर भी क्या है कि 99 पॉजिटिव और एक्यूरेट को छोड़ के वो जो एक परसेंट नेगेटिव और डाउटफुल नेगेटिव है उसको लेके जो है ना इंसान पकड़ लेता है और सारे हक को जो है वो जुटला देता है तो जो यानी क्या होता है कि समटाइम्स आपने देखा होगा कि बहुत से नॉन मुस्लिम जो है ना इस्लाम को बड़ा डीपली स्टडी करते हैं सारा स्टडी करते हैं और ले दे के फ्यू थिंग्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल होती हैं और उनकी हकीकत को वो जान नहीं रहे होते और वो होती भी डाउटफुल हैं लेकिन उन्हीं को लेकर वो क्या करते हैं कहते हैं कि ये देखें इस्लाम में ऐसे है तो हम कैसे इस्लाम को ले सकते हैं हम कैसे इस्लाम को कबूल कर सकते हैं इस्लाम तो ऐसे है इस्लाम तो ऐसे है तो यहाँ पर ये उन्हीं जॉलिमीन की बात है कि वह इन न लफी लफीशा बरीद कि ालिमीन क्या है बहुत दूर की मुखालफत में यानी ये इनकी मुखालफत ऐसी है कि इनको जो मेजर हिस्सा है ना जो कि बेहतरीन है वो नजर नहीं आ रहा लेकिन डाउट्स में ये पढ़ रहे हैं और डाउट्स ही को लेकर जो है वो आगे चल रहे हैं और फिर अल्लाह तआला क्या फ़र्मा है वलिया ताकि जान ले अल्लाजीना वो लोग जिन्हें

क्या है कि ये सारा कुछ इसलिए होता है कि जो इल्म वाले लोग हैं जो नॉलेज लेते हैं जिनको अल्लाह सब्ल ने इल्म दिया है, वो जान जाते हैं कि सही क्या है जो अल्लाह सहल्ला की तरफ से है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है और उनके दिल जो है, वो झुक जाते हैं सही बात को सुनकर और ये कि इतनी कॉन्फ्लिक्ट होती हैं इतना ज्यादा यानी मुख्तलिफ चीजें आपको नजर आ रही होती हैं जो इनको के प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज किया जाता है इन सारे हालात में जब बहुत कश्मकश चल रही होती है ऐसे में अल्लाह ताला क्या है लाहादी हिदायत देने वाला है किन को आमानो ईमान वालों को यानी जो सही अपने ईमान में मजबूत होते हैं जो चाहते हैं कि जिनके नज़दीक अपना ईमान बहुत जिसे कह लें कि कीमती होता है अपने ईमान को बचाना चाह रहे होते हैं वो चाहते हैं कि अपने ईमान पर कायम रहें और चाह वो जानते हैं कि ईमान बड़ी वैल्यूएबल चीज है और वो उसको बचाना चाह रहे होते हैं प्रिजर्व करना चाह रहे होते हैं तो ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजों में से भी ऐसे ईमान वालों को जिनको अपना ईमान बहुत प्यारा होता है अल्लाह सुबहाना तला उनको हिदायत दे देते हैं किधर ये ये तो ये सारे मामलात में वो क्या है अल्लाह सुबहाना उनकी हिदायत और, रहनुमाई करते हैं और सीधी और बात जो है, उनके, जहनों में आ जाती है। उनके दिल जो है सही और बात की तरफ चल पड़ते हैं तो यहीं पर जो है अपना लेसन जो है इनशाला एंड करते हैं है, इन इसको फर्दर जो है और डिस्कस करेंगे लास्ट आया को